हेलो दोस्तों, की हाल चाल थोड़े सारे का एक बार फिर तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। तो गाइस डेट है आज 8 मार्च 2024, टाइम हो रहा है दोपहर के 3 बजे और सफ़र करने वाले हैं तेजस एक्सप्रेस में। तो आपको पूरी ट्रेन जर्नी दिखाने वाला हूँ, ट्रेन के बारे में बताऊँगा, सारे चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में दिखाऊँगा ट्रेन के बारे में। तो तेजस एक्सप्रेस का है जो पूरा सफ़र रहेगा, ठीक है। मेरी जर्नी रहने वाली है टाटा नगर से वाराणसी रहने वाली है दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन तक। तो उसमें भी आपको पूरी जर्नी दिखा दूँगा कि कितनी ट्रेन है जो लेट पहुंचती है, क्या स्टेटस रहता है, कैसी ट्रेन है, क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिल जाएंगी। तो जो वीडियो है इसको बिना स्किप करें एंड तक देखना, ठीक है। 3:15 हो चुके हैं अप्रॉक्सीमेट और टाटा नगर रेलवे स्टेशन के अंदर है जो एंटर कर रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे कौन से स्टेशन पे जो ट्रेन खड़ी होती है। ट्रेन का जो टाइम है यहाँ पहुँचने का वो है 3:50 के आसपास। तो देखते हैं कि यहाँ पे कितनी लेट आती है या टाइम पे आती है, सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। कुछ है जो आपको टाटा नगर का रेलवे स्टेशन देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे जो सारी ट्रेन आपको दिखेंगी, ठीक है। सबसे ऊपर वाली ट्रेन है तेजस एक्सप्रेस 22823 जो कि भुवनेश्वर से चल के न्यू दिल्ली तक जाती है। फाइनली जो ट्रेन लगने वाली है वो 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगने वाली है। तो सीढ़ियाँ चढ़ के है जो पूरी 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुँच चुके हैं। अब जो ट्रेन है अपने राइट टाइम पे आ रही है तो होपफुली 3:47 तक यहाँ पे जो ट्रेन पहुँच जाएगी, ठीक है। तो ट्रेन आएगी तो आपको बोर्ड करके दिखाता हूँ कि कैसा एक्सपीरियंस है जो रहने वाला है। तो भाई जो ट्रेन है वो आ चुकी है। ट्रेन है वो आ चुकी है टाइम से काफ़ी ज़्यादा पहले ही आ गई, ठीक है। 3:40 पे जो ट्रेन है स्टेशन पे पहुँच गई थी टाइम वैसे काफ़ी ज़्यादा, तो यहाँ पे रुकेगी अभी 10 से 15 मिनट। पूरी ट्रेन आपको दिखाता हूँ। H1 मेरा कोच है तो ट्रेन काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है। H1 आपको सीट्स वगैरह भी दिखाऊंगा, ट्रेन का भी पूरा है वो भी दिखाता हूँ, ठीक है। लगता है जो ट्रेन है अपने टाइम से पहले ही यहाँ पे पहुँच चुकी है, ऐसी कुछ आपको ट्रेन देखने को मिलेगी। राजधानी ट्रेन है ये, ठीक है। यहाँ पे पूरी है जो येलो कलर में, और अभी जो मेरा कोच है H1 कोच है तो आपको उसके भी जो व्यूज है वो दिखा देता हूँ, ठीक है। पहले आप ऐसे जब घुसेंगे तो इस ट्रेन में जो स्लीपर वगैरह कुछ अवेलेबल नहीं है, ऐसा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा जो आपका फर्स्ट एसी रहने वाला है। मैं भी है जो पहली बार फर्स्ट एसी में जो ट्रैवल कर रहा हूँ। एक काफ़ी पतली सी जो गली है बनी हुई है, ठीक है, जिसके अंदर जाके आपको आपकी टिकट्स वगैरह मतलब सीट पे जाके बैठना है। तो गाइस ये देख सकते हैं, ठीक है। अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मेरी जो है सीट 10 नंबर सीट है। तो ये वाने का कोच आपको ऐसी कुछ सीट है जो देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे टोटल 4 सीट्स हैं जो रहने वाली है, ये 8 और 7 नंबर, ये 10 और 9 नंबर। जो मेरी सीट है वो 10 नंबर है ऊपर वाली, तो यहाँ पे सारे मैं रहने वाला हूँ, ठीक है। बाकी यहाँ चढ़ने के लिए जो अच्छी बात यह है कि आपको सीढ़ियाँ टाइप्स के बना के दिया गया ताकि आप कंफर्ट से जो ऊपर जा सकें। तो बाकी पूरा ये रहा, ठीक है। लगेज वगैरह भी यहाँ सारा नीचे सीट के घुसा देंगे ताकि अच्छे से हम सेटल हो जाएं। तो ये ठीक है, आपका ऐसे लगेज यहाँ नीचे चला जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे बैठ चुका हूँ, मैं सेटल हो चुका हूँ, सामान अच्छे से रख दिया सारा। ये पूरा आपका वाने का रूम है, यहाँ पे विंडो है आपकी, ठीक है, अच्छे से लगी हुई है। आपको इसका पर्दा भी खोल के दिखा देते हैं कि बहुत ही जो प्रीमियम लुक आ रही है, ठीक है। यहाँ पे आराम से सेटल हो गए, सोफे की तरह है जो सीट्स बनी हुई है। मेरा भी ये पहला एक्सपीरियंस है जो वाने में रह रहा है, ठीक है। अभी तक और कोई भी पैसेंजर्स नहीं आया है, देखते हैं बाकी सारे पैसेंजर्स है कहाँ से बोर्ड करेंगे। सीट्स वगैरह वैसे तो कंफर्टेबल है बट थोड़ी देखने में गंदी लग रही है, इतनी ज़्यादा कुछ साफ नहीं लग रही। ऊपर वाली सीट्स भी थोड़ी सी गंदी टाइप्स की हैं बट ठीक है। तो जर्नी कैसे रहती है वो आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे एक अच्छी बात ये भी है कि स्क्रीन लगी हुई है जिसमें आपको ये भी पता लग जाता है कि आपकी ट्रेन कहाँ पर है, कैसी है। तो काफ़ी कंफर्टेबल जर्नी हमारी रहने वाली है। अभी जो ट्रेन है स्टेशन के ऊपर खड़ी है बट फिर भी एसी वगैरह चल रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है कि यहाँ पे रहने वाला है। और मेरे को जितना पता है ये भी पता लगा कि इस ट्रेन में हमको है जो खाना भी है मिलने वाला है, शाम को स्नैक्स मिलेंगे खाने के लिए, उसके बाद आपको डिनर है जो फ्री रहने वाला है। तो देखते क्या मिलता है, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। तो ये आपके बिल्कुल सामने, ठीक है, लगी हुई है। इसमें सारे लैंग्वेजेस में आपको दिखता रहता है कि कौन से स्टेशन पर है जो ट्रेन पहुंच चुकी है, कौन से स्टेशन पे खड़ी है, कहाँ जाएगी, पूरा रूट, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके लिए चादर, ये नई नई ब्लैंकेट, ठीक है, ये आपके क्या है तकिया है, इसके अंदर आपकी नई नई ब्लैंकेट्स है जिसको आप बिछा के सोएंगे। ये आपका तकिया है, ये आपके कंबल है जिसको ठंड वगैरह लगे, सिमिलरली, ठीक है, दोनों सीट्स पे नीचे बिछा सकते हैं। अभी थोड़ी देखने में गंदी लग रही होगी बट आप जब चादर वगैरह बिछाएंगे तो सारा कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा सुंदर दिखने वाला है। और अगर हम सॉकेट्स की बात करें तो जो सॉकेट है यहाँ पे एक सॉकेट इधर वाली साइड दिया हुआ है, एक सॉकेट इधर वाली साइड दिया हुआ है, और यहाँ पे टांगने के लिए हैंगर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। नीचे कोई सॉकेट्स वगैरह नहीं दिए हैं, नीचे शायद सिर्फ लाइट दी गई है वो जो कि अभी चल नहीं रही है। तो हाँ चल गई है लाइट, ठीक है, तो ऐसे नीचे है जो लाइट आप चला सकते हैं, नीचे कोई सॉकेट्स वगैरह नहीं दिए गए हैं। पर तो गाइस अब हम ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, वाराणसी एसी में, ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। गाइस जो ट्रेन है वो चल रही है टाटा नगर से, अब तक है जो ट्रेन काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रही है, ठीक है, राइट टाइम तो चल रही है बट काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रही है। और जो व्यूज़ है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत आ रहे हैं, बिल्कुल जंगल वाले इलाके में हम आ चुके हैं, ठीक है, क्योंकि झारखंड वाला जो इलाका है वो मोस्टली जंगल टाइप्स का ही है, तो पूरा जंगल टाइप का इलाका है जो यहाँ पे है। और व्यू आप देख सकते हैं, ट्रेन है जो अभी काफ़ी ज़्यादा स्लो है यहाँ पर चल रही है।
जो लाइट है वो भी ऑन कर लिया, ट्रेन में काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है। पर जो ये ट्रेन है वैसे तो राजधानी है बट काफी ज्यादा स्लो चल रही है, हर 10-15 मिनट में धीरे धीरे रुके जा रही है, शायद क्रॉसिंग्स की वजह से क्या है क्या दिक्कत पता नहीं। पर जो ट्रेन है फिलहाल तो राइट टाइम है जो ट्रेन चल रही है, बट स्लो बहुत है। टाइम हो रहा है शाम के 7:30 बजे और जो ट्रेन है अपने निर्धारित समय से लगभग 30 मिनट की देरी से है जो हो चुकी है, ठीक है। क्योंकि जो टाटा नगर के बाद एक चांडिल नाम का स्टेशन आता है वहां पे आधे घंटे का स्टॉप लग गया था, उसके बाद जो ट्रेन है काफी ज्यादा धीरे 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 चल रही थी। अभी ट्रेन करते 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 अप्रोक्सीमेट 30 मिनट है जो ट्रेन लेट हो चुकी है। ये स्टेशन है जहाँ ट्रेन पहुंच चुकी है, अभी देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखा था कि कौन सा स्टेशन है, ठीक है, बुकारा स्टील सिटी स्टेशन है और आधा घंटा लेट पहुंची है। दाल दिया है, पनीर दिया है, ये सब्जी मिक्स वेज, डबल दो रोटी, दही दिया ना, सही है। तो इस ट्रेन का जो आपको वॉशरूम वगैरह भी दिखा देता हूँ, वॉशरूम वगैरह काफी ज्यादा क्लीन है, देख सकते हैं इस प्रकार कुछ वॉशरूम आपको मिल जाएंगे, नीट एंड क्लीन है बिल्कुल, ठीक है। जेट स्प्रे मिल जाता है, जो बुजुर्ग लोग है वो ये वाला कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको दूसरा वॉशरूम है जो दिखाता हूँ, ठीक है, दोनों स्टाइल में आपको वॉशरूम है वो देखने को मिल जाएंगे, यहाँ वाला भी देख सकते हैं आप, ये वाला भी काम है, ठीक है। तो गाइस गया स्टेशन पे जो पिज़्ज़ा ऑर्डर करे हैं, ठीक है, डिलीवरी बॉय का वेट कर रहा हूँ, देखता है वो आता है डिलीवरी करने या नहीं आता। ये जो ट्रेन में पिज़्ज़ा ऑर्डर करे हैं गया स्टेशन पे, ठीक है, पिज़्ज़ा आ चुके हैं, अभी जा रहा हूँ लेके खाने के लिए। तो गाइस देखो ये आ चुका है हमारा पिज़्ज़ा, ठीक है, पिज़्ज़ा अभी भी गर्म ही है, वैसे तो काफ़ी टाइम पहले बना हुआ तो हल्का सा ही गर्म है। और ये दूसरा हमारा वेज स्पेशल, बाकी टेस्ट करके देखते हैं कैसा रहने वाला है। ट्रेन में एंजॉय कर रहे हैं हम पिज़्ज़ा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा पिज़्ज़ा मिल गई है ट्रेन इंडिया रेलवे की तरफ से, बहुत अच्छा पिज़्ज़ा आया और मस्त एंजॉय कर रहे हैं डिनर। टाइम हो रहा है 12:40 रात के, जो ट्रेन का समय था 3:45 स्टेशन पहुँचने का वो था 12:45, पर जो ट्रेन है वो आधा घंटा लेट हो चुकी थी, ठीक है। टाटा नगर से निकलते ही जो अगला स्टेशन था चांडील करके वहीं से जो ट्रेन है लेट हो गई थी, बट अभी ट्रेन ने जो सफ़र थोड़ा सा तय कर लिया है, जो लेट होने का समय है वो सिर्फ 20 मिनट रहेगा, तो 12:50 में जो 3:45 स्टेशन पर पहुँच जाएंगे ऐसा ट्रेन कर सकता है। बाकी देखते हैं कि जितनी और जल्दी पहुँच जाएंगे तो जल्दी लेट हो सकता है। सफर मैंने आपको सारी ट्रेन वगैरह भी दिखा दी, अभी स्टेशन भी दिखा दूंगा जहाँ मैं उतरूंगा, उसके बाद इस वीडियो को हम करेंगे, ठीक है। टाइम हो रहा है रात के 12:50 और दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पे पहुंच चुके हैं, तो जो ट्रेन है वो सिर्फ 20 मिनट ही जो लेट है हुई है अपने निर्धारित समय से। तो ये है जो ट्रेन आपके सामने खड़ी है, ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ एग्जिट करने के लिए। यहाँ पे एक फ़ायदा है कि ऊपर चढ़ाने के लिए इन्होंने जो रेड है वो बना रखी है, जो टाटा नगर वाला रेलवे स्टेशन पर उस पर यही बहुत दिक्कत आती है कि हमको जो बैग है वो हाथ में उठा के सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो ऐसा कुछ स्टेशन है जो आपको देखने को मिल जाएगा, दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन, काफ़ी बड़ा स्टेशन है, मैंने सोचा था छोटा स्टेशन होगा बट ये स्टेशन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और टाइम भी आप देख सकते हैं कि पूरे 2 बज चुके, 1 वैसे, 2 नहीं 1 बजा है वैसे, अभी टाइम देखना भी भूल गया मैं। तो भाई देख सकते हैं, ठीक है, ये दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन, स्टेशन काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, चल रहा है, रात को भी आपको ऑटो टैक्सी वगैरह बनारस जाने के लिए सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। तो गाइस ठीक है, ये था पूरा सफ़र आपका तेजस एक्सप्रेस, राजधानी तेजस राज एक्सप्रेस का। तो ट्रेन काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, लेट भी ज़्यादा नहीं हुई, बाकी जो सर्विसेज वगैरह काफ़ी अच्छी थी, फूड की क्वालिटी भी अच्छी थी, ट्रेन पूरी साफ़ थी, और आपको कुछ भी आप इसमें सारा अच्छा क्राउड आपको देखने को मिलने वाला है, कोई भी बिना टिकट के इसमें नहीं चढ़ता, और बिना टिकट के अगर आप चढ़ गए तो आपके जो चलान है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी बनाए जाते हैं, 3 से लेकर 6-7 हज़ार तक। तो ये था पूरा रिव्यू, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं ऐसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।